बायोमेट्रिक्स, यहाँ पे हम बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके, और बायो को इजीली लर्न करने के लिए बनाते हैं ट्रिक्स। तो बच्चों अब हम लोगों की सीरीज चल रही है पाइसिस की, पाइसिस उसके हम बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था अब आप मुझे बताओगे। अगर आप लोगों मेरे चैनल पर नए हो और आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आई विल टेल यू कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को पढ़ाया था काउंटर करंट मैकेनिज्म। फिशेज में होता है गिल्स में ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करने के लिए फ्रॉम वाटर। आज के टॉपिक्स में हम लोग पढ़ने वाले यस फिन्स, मैं हेडिंग में भी लिखा हुआ है राइट। आज हम पढ़ेंगे फिन्स की इम्पोर्टेंस, पाइसिस में फिन्स की क्या इम्पोर्टेंस है, स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, कितने टाइप्स के फिन्स होते हैं और फिन्स कैसे अडेप्टन में हेल्प करते हैं पाइसिस को वाटर में राइट। जानने से पहले मोरल सबसे बहुत ही ईजली तरीके से हम लोग ये जान लेते हैं कि फिन्स में होता है क्या है। पाइसिस में फिन्स दो तरह के होते हैं, पेयर्स भी होते हैं अनपेयर्स भी होते हैं। अब से पहले जब हम लोगों ने उनमें भी कुछ में फिन्स होते हैं राइट, आप लोगों ने उसमें पढ़ा है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा देन गो टू माई चैनल वॉच देयर, मैंने आप लोगों में बताया था कि उनमें भी किसी किसी में फिन्स होते हैं। साइक्लोस्टोमेटा में भी हम लोगों ने फिन्स पढ़े थे, लेकिन वो फिन्स इनके फिन्स से अलग होते हैं क्योंकि उनमें पेयर्ड कंडीशंस नहीं होती। और पाइसिस के फिन्स कितने अलग होते हैं, इनमें पेयर्ड कंडीशंस भी हो सकती है और अनपेयर्ड फिन्स भी हो सकते हैं। तो हम उसके ऑन द बेसिस ऑफ पेयरिंग फिन्स जो होते हैं पाइसिस के, हम उसे डिवाइड कर सकते हैं दो कंडीशंस में, जो पेयर्ड्स होते हैं और जो अनपेयर्ड्स होते हैं राइट। चलिए समझते हैं फिन्स को बच्चों, यहाँ से डिवीजन लेकर चल सकते हैं हम लोग। पेयर्ड फिन्स, पेयर्ड फिन्स, पेयर्ड फिन्स वो होंगे जो पेयर्ड कंडीशन में होंगे राइट, और ये हो सकते हैं अनपेयर्ड, अनपेयर्ड फिन्स। अनपेयर्ड फिन्स बच्चों वो होंगे जो अनपेयर्ड कंडीशन में होते हैं, मीन्स पेयरिंग नहीं होती। तो पेयर्ड फिन्स मीन्स होता है बच्चों वो फिन्स जो ऑलवेज पेयरिंग में ही मिलते हैं राइट, उन फिन्स में पेयरिंग कंडीशन ही होंगे। तो पेयर में व्हाट व्हाई हाउ, थोड़ा सा दिमाग चलाओ कि ऐसे कौन से फिन्स हो सकते हैं जो पेयरिंग में मिलेंगे। अपनी बॉडी को और फिश की बॉडी को थोड़ा इमेजिन करके देखो, कौन से ऐसे लिम्स होते हैं जो जो फिन्स होते हैं वो वाले फिन्स जो हम लोगों की लिम्स से रिलेटेड हो, और हम लोगों के लिम्स से रिलेटेड वो ही फिन्स हो सकते हैं जो गिडल से रिलेटेड हो राइट। मैंने फिन्स जब फिशेस पढ़ा रही थी तो मैंने बोला था कि उनमें पेयर्ड पेक्टोरल और पेल्विक गिडल्स होते हैं, उनमें पेक्टोरल पेल्विक गिडल के साथ अटैच लिम्स नहीं होते राइट। तो ये क्वेश्चन वहीं से निकल आता है कि इनमें पेयरिंग कंडीशन किस में होगी, पेक्टोरल पेल्विक फिन्स में राइट। बच्चों देखो थोड़ा सा दिमाग हम लोगों ने वहाँ पे लगाया कि हम लोगों ने इसमें जब हम डिस्टिंक्शन पढ़ रहे थे, मैंने आपको एक डिफरेंस भी बताया था, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पे नहीं देखा देन गो टू माय चैनल वॉच देयर, मैंने उसमें बताया हुआ है क्लियरली कि जब हम टेट्रापोडा की क्लासेस में जा रहे हैं आगे पाइसिस से आगे जब हम लोग पढ़ेंगे पाइसिस और टेट्रापोडा में हमने डिवाइड किया, जब हम टेट्रापोडा में जाएंगे तो उनमें पेयर कंडीशन में पेयर लिम्स होते हैं, वो पेक्टोरल एंड पेल्विक गिडल से अटैच होते हैं। पेक्टोरल गिडल से अटैच होंगे वो हैंड्स हो जाते हैं जैसे हम लोगों में भी होते हैं, और पेल्विक गिडल से अटैच होंगे वो लिम्स वो फिट हो जाते हैं, लेकिन पाइसिस में लिम्स नहीं होते, उनमें पेक्टोरल पेल्विक गिडल होते हैं। इसका मतलब पेक्टोरल पेल्विक गिडल से जो अटैच होंगे वही फिन्स पेयर्ड कंडीशंस में होंगे। बिल्कुल सही समझ गए बच्चों, पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स जो होते हैं वो पेयर्ड फिन्स होते हैं राइट। पेक्टोरल एंड पेल्विक, पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स जो होते हैं बच्चों वो पेयर्ड कंडीशंस में होते हैं राइट, जो अनपेयर्ड्स में होते हैं। अब बाकी के जो बचे फिन्स उनमें से मे बी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उनमें से कुछ फिन्स पेयर्ड कंडीशंस में हो जाए, बट नॉट ऑलवेज, कभी कभी। अब बचे हुए जितने फिन्स, अब ये सोचने वाली बात है कि कौन कौन से बचे। देखो बच्चों फिन्स के हम लोगों ने लेटरल साइड्स को कर लिया, पेक्टोरल्स हो गए, पेल्विक हो गए, अब क्या बचा, फिन्स की साइड को थोड़ा सा इमेजिन करो क्या हो सकता है उसके ऊपर का बेस, जो फिन्स के, चलो शेप मैं आपको फिन्स बनाकर ही दिखा देती हूँ। राइट बच्चों,
यहाँ से थोड़ी ठीक हो गई कोई बात नहीं, समझ आ रहा है ना। देखो ये डोर्सल साइड हो गई और ये वेंट्रल साइड हो गई और लेटरल साइड्स हम लोग ले चुके हैं। तो लेटरल साइड्स पे बच्चों जो फेस है, जो इसका माउथ है, उसी में लेटरल साइड्स के जो माउथ खत्म होने के बाद जब इसका ट्रंक लेट सी हम इमेजिन कर लेते हैं कि इसका यहाँ पे माउथ खत्म हो गया, राइट। और यहाँ से इसकी टेल स्टार्ट हो गई, राइट बच्चों। अब टेल के पार्ट को छोड़ दीजिए और माउथ के पार्ट को छोड़ दीजिए, राइट। अब टेल और माउथ के पार्ट को छोड़ने के बाद क्या बचता है, ये पूरे की पूरी जो बॉडी का इतना पार्ट बचेगा इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे ट्रंक। क्या बोलेंगे? ट्रंक, राइट। यहां पर जो इसके माउथ खत्म होने के बाद पहला फिंस जो प्रेजेंट होगा बच्चों, क्योंकि वो माउथ खत्म होने के बाद ट्रंक स्टार्ट हो गया, तो जो आगे होगा वो कौन सा गर्डल होगा? पेक्टोरल होगा। पेल्विक हमेशा टेल के पहले होगा क्योंकि वो लिम्स कौन सा होता है? पैर के साइड्स होता है। तो यहाँ पर जो बच्चों लेटरल साइड्स में पेयर में वन इस साइड्स हो गया और एक वन उस साइड हो जाएगा। हम लोगों को दिखेगा नहीं ना, जैसे कि एक ईयर मेरा इस साइड दिख रहा है, दूसरा ईयर आप लोगों को लेटरल साइड से नहीं दिखेगा। तो ये जो माउथ के एंडिंग में लेटरल साइड्स पे हो गया बच्चों, इसे बोलेंगे पेक्टोरल, पेक्टोरल फिंस, राइट। सिमिलरली जब टेल जहां पर हुई उसके लेटरल साइड्स में ही, नॉट द अबाउट डोर्सल साइड्स में भी नहीं, वेंट्रल साइड्स में भी नहीं, लेटरल साइड्स में जो होगा यहाँ पर अगर कोई फिंस होता है पाइसिस में, मान लीजिए कि फिंस है, राइट, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों? यस, पेल्विक। जैसे हमारे पेक्टोरल एंड पेल्विक गिर्डल्स होते हैं वैसे इनके पेयर कंडीशन में वन इस साइड हो गया, वन बैक साइड हो गया, टू फिंस जो पेयर्ड कंडीशंस के थे वो तो हो गए। अब अनपेयर्ड्स में बताया, अब हम बच्चे सोचेंगे मैम आपने अनपेयर्ड बताया नहीं तो हम कैसे समझेंगे? समझ सकते हो बच्चों, थोड़ा सा डायग्राम्स में थोड़ा सा देखो, ये डोर्सल साइड्स हैं, डोर्सल साइड्स पर भी फिन हो सकते हैं, वन भी हो सकते हैं और पेयर भी हो सकता है। अगर माउथ के पीछे यहाँ पे डोर्सल साइड्स में वन फिन है लंबा सा तो डोर्सल फिन हो जाएगा, अगर पेयर कंडीशन में तो डोर्सल फिन हो जाएंगे, राइट। कौन सा फिन्स हो जाएंगे अनपेयर्ड्स में? डोर्सल, मैंने अनपेयर्स में क्यों डाला? कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा मैम ये तो पेयर कंडीशन में भी हो सकते हैं, मे भी हो सकते हैं बट नॉट ऑलवेज। अनपेयर जो अनपेयर्स वाले मैंने डाले ये जरूरी नहीं है कि पेयर कंडीशंस में ही हो, इसलिए अनपेयर में डाले। तो डोर्सल साइड, अब बच गया वेंट्रल साइड। देखो ना फिश की अगर हम बॉडी की साइड को ही देख रहे हैं, डोर्सल साइड्स का हो गया तो ये बन गए हमारे कौन से डोर्सल साइड्स में बन गए? डोर्सल फिन, राइट। अब वेंट्रल साइड बच गई बच्चों, तो वेंट्रल साइड में भी तो इसके पीछे जैसे डोर्सल में था बॉडी के पीछे यहाँ पर भी फिंस हो सकते हैं, वन भी हो सकते हैं, टू भी हो सकता है, मैक्सिमम बना रहे टू से ज़्यादा नहीं होते, मैक्सिमम बता रही हूँ कि चलो वन भी हो सकता है टू भी। तो वेंट्रल साइड में बन गया बच्चों, तो ये कौन से फिंस हो जाएंगे? यस, वेंट्रल फिन। इसका मतलब डोर्सल फिन हो गया, उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेंट्रल फिन, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद इसमें कौन सा और फिन हो सकता है? सोचो यहां पे इसका एनस एरिया होगा, राइट। अब एनस एरिया से जस्ट बिफोर, एनस एरिया से जस्ट बिफोर जो फिंस होता है यहाँ पे, जो इसीलिए इसका वेंट्रल का जो फिन होता है वो वन वो फिंस बोला जाता है, क्योंकि जो पहला एनस एरिया से आगे का फिंस हो जाएगा उसे वेंट्रल फिंस ना बोल के, ये भी बॉडी के वेंट्रल साइड्स में ही होता है बच्चों, पेयर्स में नहीं होता ना, क्योंकि अगर पेयर्स में होता तो लेटरल साइड्स में होता है। यस, यहाँ से हम हाँ तो बच्चों अगर वो लेटरल साइड्स में है तो वो पेयर कंडीशन में हो सकता है, डोर्सल और वेंट्रल साइड्स में जो भी फिंस होंगे वो पेयर कंडीशंस में ज़रूरी नहीं है कि हो। तो जो बॉडी के जो ट्रंक है उसके अगर एंटीरियर पार्ट में है, एंटीरियर समझते हो हाफ से पहले, अगर हाफ से पहले है तो वो वेंट्रल फिन हो जाएगा, अगर वो हाफ के बाद है तो इसका मतलब ये है कि वो एनस एरिया मतलब बिफोर टेल है, एनस एरिया से पहले है, तो बच्चों उसको वेंट्रल फिन्स ना बोल के उसे बोलते हैं एनल फिन्स, एनल फिन्स। तो ये और कौन सा हो जाएगा बच्चों? एनल फिन, राइट। अब एक और फिन बचता है बच्चों फिश में, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बता सकते हो? यस मैम हम बता सकते हैं,
टेल में, यस, ये जो ब्यूटीफुल सी टेल बनाई है ना बच्चों, इस फिन्स का अलग नेम होता है, इसे टेल फिन भी बोलते हैं और एक स्पेसिफिक नेम भी होता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं कोडल फिन। क्या बोलते हैं? कोडल फिन। ये तो मैं पेड़ कंडीशन में मान सकते हो, इसके टू लोब्स होते हैं इससे मान सकते हो, बाकी टेल एक ही हो सकती है, इसके टू लोब्स होते हैं लेकिन फिन्स एक ही होता है। तो ये फिन्स लिखो या फिन लिखो एक ही बात है। अब बच्चे सोचेंगे मैम आपने एनल भी फिन्स लिख दिया, बच्चों फिन्स बोला जाता है इसको, एनल फिन नहीं लिखते, फिन्स बोला जाता है, लेकिन ये एस ये नहीं है कि मल्टीपल में ही है, एनल फिन वन ही होगा, राइट। तो यहाँ पे ये कोडल फिन जो है, ये कोडल फिन्स जो से बोलते हैं, ये एक होता है और टेल में होता है। हाँ वो अलग बात है कि इसके लोब होते हैं बच्चों, लोब समझते, पार्ट होते हैं, एक ऊपर का एक नीचे का, देखो इसमें एक ऊपर है एक नीचे है। इसकी अगर हम यहाँ से बॉडी को डिवीजन दे दें माउथ के पार्ट से, मान लो कि यहाँ से हमने बॉडी को डिस्टेंस कर दिया, डिवाइड कर दिया, फिर इसकी बॉडी को बाइसेक्ट कर रहे हैं, टू पार्ट्स में आप लोग डिवाइड कर रहे हैं इसका, राइट। तो इसके टू पार्ट्स का बच्चों, ये जो ऊपर का हाफ हो गया इसे अपर लोब बोलेंगे, और जो नीचे का हाफ हो गया उसे क्या बोलेंगे? लोअर लोब बोलेंगे। तो इसीलिए कोडल फिन्स में क्या होता है, फिन्स में लोब्स होते हैं, टू लोब, फिन्स एक ही होता है, लोब टू होते हैं, राइट। अब वो लोब में क्या होता है, एक अपर लोब होता है और एक लोअर लोब होता है। अब ये लोब की सिमेट्री अलग अलग हो सकती है, राइट। ये था कि जस्ट हम लोगों को फिन्स पता होना चाहिए कि पूरी बॉडी में फिसेस के कहाँ कहाँ कौन कौन से फिन्स होते हैं। माउथ के एंटीरियर पार्ट में जहाँ से हम लोगों को लग रहा है कि ट्रंक स्टार्ट हो रहा है, लेटरल साइड में ही, मतलब एंटीरियर बॉडी के हाफ पार्ट से पहले जो प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे बच्चों पेक्टोरल फिन। पेयर्स में होता है एक इधर एक उधर, फिर बॉडी के हाफ पार्ट को कर लिया जाए उसके पीछे लेटरल साइड में ही टेल से पहले जो फिन्स प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं पेल्विक फिन्स। वो भी पेयर में होता है एक इधर और एक इधर। बाकी जो बॉडी होती है बच्चों उसके डोर्सल साइड्स में जो फिन्स होते हैं उन्हें डोर्सल फिन्स बोलते हैं। पेयर्स में भी हो सकते हैं, अनपेयर्स भी हो सकते हैं। फिर बच्चों जो नीचे बॉडी की वेंट्रल साइड पड़ती है, बॉडी का अगर हमने पार्टीशन कर दिया, बाइसेक्ट्स कर दो, ऐसे हमने लेटरली बाइसेक्ट किया था, ऐसे एक हम बॉडी का हाफ पार्ट कर लेते हैं, फिसेस का रफली हाफ मान सकते हैं, उसके हाफ के पहले जो फिन्स प्रेजेंट होता है बच्चों उसे हम वेंट्रल फिन्स बोलते हैं, राइट। और उसके हाफ के बाद जो प्रेजेंट होता है, मतलब उसके एनस एरिया, मतलब टेल से जो पहले प्रेजेंट होता है बच्चों उसे हम एनल फिन बोलते हैं, राइट। और एक फिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो कि टेल में होता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है, क्योंकि फिन्स जब हम फिसेस को बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी बॉडी में जो फिन्स स्ट्रक्चर, बच्चों ये पूरा का पूरा फिसेस को जब हम ड्रॉ कर रहे हैं उसके साथ ही हमें ड्रॉ करना होता है, इसीलिए इंटरेस्टिंग फिन्स है, इसे हम कोडल फिन्स बोलते हैं। बाकी फिन आप बाद में पेन को उठा के अटैच करते हो, राइट, लेकिन इसको अगर यहाँ से बनाना शुरू कर रहे हो तो बिल्कुल इसके साथ ही हमें इसके कोडल फिन्स को उसके साथ लेके चलना पड़ता है, इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है, राइट। कभी कभी बनाते वक्त सोचना चाहिए कि फिन्स का ऐसा कौन सा फिन्स है जिसे हम पेन उठाए बिना ही बना सकते हैं, नहीं इंटरेस्टिंग? सोचो ना, पूरी बॉडी में ही बनाना है, बायोलॉजी को इंटरेस्टिंग बनाओ। हमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी फिसेस को यहाँ से बनाना शुरू किया हमने, कोडल फिन्स, सिर्फ एक कोडल फिन्स है जिसे आप बिना पेन को उठाए फिसेस के जब हम डायग्राम बना रहे हैं उसके साथ ही बना सकते हैं, ये भी अनपेड में होता है। तो बच्चों यहाँ पे फोर्थ फिन आ जाएगा कोडल फिन। कोडल फिन्स, राइट बच्चों। तो ये फोर फिन्स होते हैं जो अनपेयर्ड्स होते हैं, ये टू फिन्स होते हैं जो कि पेयर्ड्स में होते हैं, मींस हो गए टोटल सिक्स टाइप ऑफ फिन्स, टाइप ही बता सकते हो ना, सिक्स अलग अलग टाइप्स के हैं, पेक्टोरल पेल्विक, क्योंकि इनके फंक्शंस अलग होते हैं, इनकी पोजीशंस अलग होती हैं, राइट। और जो अनपेयर्ड्स फिन्स होते हैं डोर्सल हो सकता है, वेंट्रल हो सकता है, एनल हो सकता है, कोडल फिन्स होते हैं, राइट बच्चों। एक बार इस डायग्राम को उतार लेना, फिर आपको मैं इनकी पोजीशंस के साथ साथ फंक्शंस बता, राइट। चलिए उतार लीजिए, रब कर दूँ, ओके थैंक यू। आएंगे इनके फंक्शंस, पोजीशंस हम लोगों ने डायग्राम में देख लिए, फिर भी एक बार पोजीशंस लिख लेते हैं, उनके फंक्शन जान लेते हैं। सबसे पहले पेयर से स्टार्ट करते हैं, राइट बच्चों। तो सबसे पहला हो गया पेक्टोरल फिन, पेक्टोरल फिन। अब ये लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, दीज आर पेयर्स, आप लोगों को पता ही चल चुका है, दीज आर पेयर्स।
तो ये बता सकते हैं पोजिशन, दीज आर प्रेजेंट एंटीरियर लेटरल साइड्स, राइट बच्चों, इनको थोड़ा अलग कर देते हैं पार्टीशन, एंटीरियर लेटरल साइड बिहाइंड हेड, यस बच्चों, हेड के बिहाइंड ये प्रेजेंट होते हैं, राइट। फंक्शंस क्या होता है बच्चों इनका, मैं स्टार से बता रही हूँ या फिर आपको, चलो प्रॉब्लम ना हो मैं आप लोगों को अलग से फंक्शंस लिख कर बता देती हूँ। फंक्शंस क्या होता है बच्चों, देखिए हम लोगों के जैसे हैंड होते हैं, अगर हम लोग कहीं भी सडनली चल लें, अपना ही इमेजिन करो क्योंकि हमें रिलेटेड करना है टू नॉर्मल लाइफ, यस, फिश तो हम बन नहीं सकते, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर हम लोगों को तैरने के लिए हम लोगों को छोड़ दिया जाए तो सबसे पहले जो हमारे हाथ होंगे वो हमारा बैलेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? बैलेंस। वैसे ही फिंस में जो लेटरल साइज के जो फिंस होते हैं, जो पेक्टोरल फिंस होते हैं पेयर कंडीशन में, वो फिशेज में बैलेंस का काम करते हैं, राइट बच्चों? दीज एक्ट एज बैलेंसर एंड मेक बैलेंस ऑफ फिश ड्यूरिंग, क्या करती हैं फिशेस? स्विम। बाय हाउ, थोड़ा दिमाग चलाओ, किस चीज में खाती है वो? डांस कर सकती हैं? नहीं ना, फिशेस क्या करती हैं? स्विमिंग करती रहती है, तो उसके स्विमिंग में ही वो बैलेंसिंग का काम करते हैं, राइट। अब सेकंड वन आ जाता है बच्चों, पेल्विक फिन। आप बच्चे कह रहे हैं मैम हमें डायग्राम से सब कुछ पता चल चुका है, फिर आप क्यों लिख रही हैं? बच्चों लिखना इसलिए है क्योंकि हम लोगों को जब जाना है वहाँ पे, तो वो हो सकता है हम लोग एग्जामिनर ने सिर्फ थियोरेटिकली दिया हो, डायग्राम ना बताना हो, या फिर हमसे वो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोगों को थोड़ा सा तैयार होना चाहिए ना। पेल्विक कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों? मैंने बोला ना, यस, दीज आर प्रेजेंट पोस्टीरियर, यस बच्चों, क्योंकि वो एंटीरियर नहीं होते, पोस्टीरियर लेटरल हाफ से बाद में, यस, पोस्टीरियर लेटरल साइड बिफोर टेल, वो बिहाइंड हेड था बच्चों, याद रखना, पेक्टोरल बिहाइंड हेड था, हमारे हेड के बाद ही तो हमारा पेक्टोरल गिर डलाता है, पेल्विक गिर डलाता है। अब लोग, हम लोगों में टेल नहीं हो सकती, हम फिस है नहीं ना, तो टेल कहाँ से होगी? फिशेस में टेल होती है, उनसे पहले होता है, राइट, बिफोर टेल। अब बच्चों इनका फंक्शन क्या होगा? स्टार दो। चलिए बच्चों को प्रॉब्लम ना हो तो मैंने स्टार दे दिया। फंक्शन क्या होगा बच्चों? अब ये फंक्शन क्या करते हैं? चलिए बच्चों, हम लोग जैसे चल सकते हैं अपने पैरों से, वैसे फिशेस भी चलते हैं, बेचारे फिंस, फिंस हेल्प करते हैं, मेनली सभी फिंस का फंक्शन होता है हेल्प इन स्विमिंग, सभी का, तो फिंस होते हैं उसी के लिए। तो ये क्या करते हैं बच्चों? ये उसकी स्पीड को रोक सकते हैं, फिश थोड़ी देर के लिए अगर रुकना चाहती है, और कोई भी चीज़ चल रही है, जैसे साइकिल चल रही है, हम चल रहे, तो हम पैर अपने पैरों को रोक लेते हैं, हाथों से तो हम लोग चलते नहीं, लेकिन कुछ जानवर होते हैं जो हाथों से, लेकिन सबसे पहले जो ब्रेक लगाने का काम करता है, राइट, जैसे ब्रेक लगाने का काम करते हैं वो यही करते हैं, दैट्स मीन दीज एक्ट एज ब्रेक, उनकी स्पीड को रोकने के लिए, पीछे वाले जो फिंस होते हैं, दैट्स मीन पेल्विक फिंस, दीज फिंस एक्ट एज ब्रेक, ब्रेक लगा देते हैं एंड हेल्प फिशेस टू स्टॉप स्विमिंग। ब्रेक लगाकर क्या करते हैं? आप गाड़ी में ब्रेक लगाइए, कोई सी भी गाड़ी में, हम लोग क्या करते हैं कि ब्रेक लगा के उसकी स्पीड को कम कर देते हैं, उसको रोकना भी चाहे तो भी ब्रेक लगाते हैं, कहते हैं ना कि ब्रेक लगाइए, तो इसमें जो पेल्विक फिंस होते हैं वो ब्रेक का काम करते हैं, जिससे कि उसकी स्पीड को रोका जा सके, राइट बच्चों? ये हो गए हमारे पेक्टोरल पेयर फिंस। चलिए हम डोर्सल फिन भी यही लिख देते हैं, डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, तो हम डोर्सल फिंस यहीं पे लिख देते हैं, डोर्सल फिन। थर्ड वन से लिख लो बच्चों, क्या फर्क पड़ता है? एग्जामिनर पूछने वाला है, आपने थर्ड पे लिखा था, फोर्थ पे लिखा था, क्यों लिखा था? पूछने वाला नहीं ना, फिर हम क्यों कन्फ्यूज होते हैं? हमें सिर्फ याद करना है डोर्सल फिंस बच्चों,
These are present in dorsal side. Very good, bachcho. These are present on dorsal side of fish. बच्चों मैं ये सब में बता चुकी हूँ. अनपेयर्स में भी पेयर्स. दीज टेल नहीं होती, टेल एक ही होती, उसमें लोब दो होते. दीज मे बी इन पेयर कंडीशन. अब इनमें से दो फिन्स निकाल लो बच्चों जो बिल्कुल ही अनपेयर्स होते हैं. वो होता है एनल फिन और कोडल फिन्स. ये पेयर्स में नहीं होते हैं, कभी नहीं, क्योंकि एनल फिन तो होगा ही एक फिन, पेयर्स में नहीं होगा. और कोडल फिन्स तो टेल में होते हैं, उसमें लोब होते हैं. ये डोर्सल और वेंट्रल फिन्स ऐसे फिन्स हैं जो पेयर्स में भी हो सकते हैं. नियर एंड इट मे बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज. कभी कभी वो पूछ भी लेता है एमसीक्यूज में. वी आर स्टडिंग अबाउट एमसीक्यूज ना बच्चों. हम लोगों को नीट देना है, हम लोगों को एम्स देना है, तो वी शुड बी प्रिपेयर अबाउट एमसीक्यूज. तो वो उसमें पूछ सकता है डोर्सल फिन्स और वेंट्रल फिन्स, विच ऑफ दीज फिन्स कैन बी अनपेयर्स, मे बी पेयर्स. तो कौन सा फिन्स है? यस, डोर्सल एंड वेंट्रल फिन्स. डोर्सल बच्चों इसका फंक्शन क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगा. ऊपर प्रेजेंट है तो क्या काम करेगा? एक तो बच्चों बैलेंस का काम करेगा, मेंटेन बैलेंस. किस लिए बैलेंस देगा? टू रिमूव. किस लिए? रोलिंग ऑन ऑफ फिश. अब फिशेज में वो बैलेंस बना रहा है, बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट है, तो उसे रोलिंग ऑन नहीं होने देता. रोलिंग ऑन समझ रहे हो बच्चों? ऐसे गोल गोल घूमते रहना, कि वो तो लुढ़कती रहेगी फिश. लुढ़कना नहीं है, रोलिंग ऑन से बचाएगा. मेंटेन बैलेंस एंड प्रिवेंट रोलिंग ओवर ऑफ फिशेज. फिशेज को रोलिंग ओवर से बचा लेता है डोर्सल फिन. राइट बच्चों? अब हम लोगों ने पढ़ लिया. वेंट्रल फिन क्या करता है? वेंट्रल फिन, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम ये भी बैलेंस तो सभी बनाते हैं. एक आपको मैं बात बताऊं, फिन्स में अगर आप पढ़ रहे हो बैलेंस सब में लगा सकते हो, मेनली नहीं. बैलेंस मेनली जो होता है बैलेंस बनाने का, वो काम होता है पेक्टोरल फिन का और डोर्सल फिन का, जो बैलेंस बनाते हैं. लेकिन अगर कोई लगा रहे लगा रहे स्विमिंग में हेल्प करते हैं, यस हम कह सकते हैं, क्योंकि सारे फिन स्विमिंग में हेल्प करते हैं. कोई बैलेंस कर रहा है, कोई ब्रेक लगा रहा है, कोई स्पीड बढ़ा रहा है, कोई टर्निंग ओवर में हेल्प कर रहा है. अब ये वेंट्रल फिन्स क्या करता है बच्चों? प्रेजेंट कहाँ होता है सबसे पहले? तो वेंट्रल साइड में, प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड एंड हेल्प इन फंक्शन. चलो फंक्शन में लिख देते हैं. फंक्शन क्या है बच्चों इसका? और वेंट्रल साइड में कोई चीज प्रेजेंट होती है तो बच्चों क्या करेगा? स्पीड को रोकने का. दैट मींस अगर फिशेस को अपनी स्पीड रोकनी है, यस, टू लोअर डाउन स्पीड ऑफ फिशेस. फिशेस की स्पीड को लोअर डाउन करने में हेल्प करते हैं. राइट बच्चों? अब बच जाता है कौन सा बच्चों? एनल फिन. और एक बात बताओ, एनल फिन प्रेजेंट हो सभी फिशेस में, इट नॉट नेसेसरी. पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स होंगे ही होंगे. इसका मतलब सारी ही फिशेस बैलेंस भी कर सकती है, सारी ही फिशेस ब्रेक भी लगा सकती है. समझ रहे हो ना? व्हाट, व्हाई, हाउ? थोड़ा सा दिमाग चलाओ. कौन से ऐसे फिन्स हैं जो सभी में होंगे? पेक्टोरल और पेल्विक. इसका मतलब सभी के सभी फिन्स में क्या हो सकता है? वो बैलेंस बना के चल सकती हैं, वो ब्रेक लगा सकती हैं. डोर्सल साइड्स में भी वो प्रिवेंट करेंगी फिशेस रोलिंग ऑन से. इसका मतलब डोर्सल फिन्स भी होते हैं, लेकिन वेंट्रल फिन्स भी हो सकते हैं, उनकी स्पीड को लोअर डाउन कर सकते हैं. सारी फिशेस सेम स्पीड से. एनल फिन सभी में प्रेजेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दीज, पहले तो पोजिशन बता दो. दीज आर प्रेजेंट ऑन वेंट्रल, वेंट्रल साइड पे होते हैं बच्चों, वेंट्रल साइड बिफोर टेल, बिफोर एनस. सॉरी एनल है तो बिफोर एनस.
एनसेरिया से पहले, जस्ट एनसेरिया से पहले, एनस्थीसिस में किसी को फिकल मैटर निकालेंगे एंड फंक्शन क्या करेंगे, फंक्शन अभी किसी किसी फिन्स में होता है, किसी में नहीं होता, इसलिए इनका स्पेसिफिक फंक्शन ऐसा नहीं है। एनल फिन का फंक्शन होता है डायरेक्शन चेंज करने में, ये हेल्प कर देते हैं, हेल्प इन चेंजिंग डायरेक्शन, राइट। अब कुछ बच्चे सोचेंगे मैम सभी फिन्स डायरेक्शन चेंज कर लेती है, तो उनमें दूसरे फिन्स भी तो हैं। और अभी आपको मैं बताऊँ, अभी तो एक स्टेयरिंग ऑर्गन भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, जब लेट एयरलाइन साइंस ऑर्गन पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि डायरेक्शन और कौन कौन से हेल्प कर सकते हैं, राइट। चलिए इतना उठा लीजिए, बस एक कोडल फिक्स होता है, राइट। ओके रब कर लो, थैंक यू। पढ़ने वाले हैं कोडल फिन्स, राइट, कोडल फिन्स। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, यस मैम फिनो इट इज प्रेजेंट इन टेल ऑफ फिश, वेरी गुड, इट इज प्रेजेंट इन टेल ऑफ फिश, राइट। फंक्शन क्या होता है बच्चों इसका, क्योंकि हम लोग पोजिशन और फंक्शन तो बिल्कुल लर्न कर रहे हैं कि वी शुड नो अबाउट पोजिशन एंड फंक्शन। फंक्शन क्या होता है बच्चों, इट एक्ट एज स्टीयरिंग ऑर्गन, राइट। फिशेज जब पानी में तैर रही हैं तो कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो उनका एक तरीके से रास्ता क्लियर करता चले, उनमें प्रॉब्लम ना हो फिशेज के। मतलब जो कोडल फिन्स होता है वो स्टीयरिंग, चीरने का, स्टीयरिंग समझते हैं, बैलेंस बनाते हुए चीरने का काम करता है उसको, जिससे कि वो पानी में ईजिली से निकल जाए, तो ये स्टीयरिंग ऑर्गन का काम करता है, राइट। फंक्शन होता है इट एक्ट एज स्टीयरिंग ऑर्गन, एंड प्रोवाइड, पीछे से क्या प्रोवाइड कर, जिससे कि आगे चल सको, यस प्रोपल्शन, प्रोपल्शन टू फिशेस फॉर मूवमेंट इन वाटर। ये ही वो फिन्स होता है, इसलिए तो मैं कहती हूँ मुझे बड़ा प्यारा लगता है, कितना इम्पोर्टेंट है। फिशेज आप कभी भी बनाओगे, आपने उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया, जब तक कोडल फिन्स नहीं बनाओगे वो फिश लगेगी ही नहीं, समझ रहे हो, जब तक कोडल फिन्स नहीं बनाओगे वो फिशेज लग ही नहीं सकती, इसीलिए कोडल फिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऊपर से ही स्टीयरिंग ऑर्गन का काम करता है, प्रोवाइड करता है फिशेज को पीछे से प्रोपल्शन, समझ रहे हो, पीछे से पुश करने का काम करता है, जैसे कि कभी कभी गाड़ियाँ नहीं चलती, आप लोगों ने नॉर्मल लाइफ में ऑब्जर्व किया है, रिलेट करो नॉर्मल लाइफ से, कभी कभी गाड़ी नहीं चलती, आप लोगों ने देखा पीछे से पुश करते हैं, धक्का देने का काम करते हैं, वही काम करता है ये, इनका ओरिजिनल है, इनको किसी को पकड़ने भी नहीं किया हो, हमारी गाड़ी को धक्का दो नहीं, तो इसमें क्या होता है प्रोपल्शन का काम करता है, पीछे से वाटर में स्टीयरिंग का पुश करने का काम करता है। अब मैंने बताया था कि इसमें लोब्स होते हैं, यस बच्चों लोब्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके, क्योंकि उसके बेसिस पे डिफाइन किया जाता है लोब्स। It has two lobe, बच्चों एक ऊपर की तरफ, मैंने बोला था अगर लैटरल फिश को डिवाइड किया जाए तो ऊपर के हाफ में क्या हो जाएगा, अपर हाफ, तो अपर एंड लोअर लोब, लोअर लोब दो लोब होंगे, एक अपर होगा एक लोअर होगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ अपर एंड लोअर पोजिशन हाफ कैसा है, किस पोजीशंस में है, सिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल फिशेस को डिवाइड कर दिया जाता है, इनके लोब के बेसिस पे जो कोडल फिन्स है उसे नाम दे दिया जाता है अलग डिवीजन, जाने कैसे, चलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं स्टार दे देते हैं इस क्वेश्चन को, नहीं थोड़ा सा स्टार देना चाहिए अच्छी चीज को, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर of lobes, caudal fins may be, क्या हो सकता है बच्चों, दो तरीके से हो सकता है, टू टाइप, may be टू टाइप,
देखो कौन कौन सा टाइप। सबसे पहला बच्चों इस होमो सेरल, एक होता है बच्चों हेटेरो सेरल। अब देखिए होमो से क्या लगता है, एक जैसा, और हेटेरो से अलग जैसा। देखो अगर मैं स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो सिर्फ टेल का देखिए, यहाँ से कोडल फिन्स हम फिश की लेके चल रहे, अगर टू लोब सिमेट्रिकल्स हैं, देखिए टू लोब अपर एंड लोअर लोब, अपर हो गया और ये लोअर हो गया, दोनों लोब के सेम साइज सेम है, अपर एंड लोअर लोब आर सिमेट्रिकल, तो उसको कोडल फिन्स बोलेंगे, होमो सर्कल फिन्स। कौन सा होमो सर्कल? कोडल फिन्स। अगर अपर एंड लोअर लोब आर सिमेट्रिकल, अगर ये अनसिमेट्रिकल है बच्चों, लाइक यहां से बना के चल रही हूं मैं, अपर बड़ा है और लोअर छोटा है, समझ रहे हो, ये अपर है और ये लोअर है, दोनों में देखो कितनी सिमेट्री अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, शेप अलग है, साइज अलग है, तो क्या हो जाएगा बच्चों इसमें, आर अनसिमेट्रिकल। दोनों लोब अनसिमेट्रिकल है, देखो अपर लोब एंड लोअर लोब अनसिमेट्रिकल है, तो इनको हेटेरो सर्कल बोलते हैं, हेटेरो सर्कल फिन्स। और बच्चों इसी से फिशेस में डिवीजन हो जाता है, होमो सर्कल किस में मिल सकता है और हेटेरो सर्कल किस में मिल सकता है, टू टाइप के फिशेस में जब हम डिफरेंस कर सकते हैं, कोडल फिन्स से भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है बहुत ही ईजिली। अगर हेटेरो सर्कल कंडीशन है तो बच्चों वो कार्टिलेजिनस फिशेस में होता है, किस में होता है, एग्जाम्पल कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिशेस में कोंड्रिक्थिस जिसको बोलते हैं बच्चों, और ये मिलता है किसमें, ओस बोनी फिश में, बोनी फिशेस जिसे हम बोलते हैं ओस्टिक्थिस। होमो सर्कल वाली कंडीशन बच्चों जिसमें दो लोब सिमेट्रिकल्स होंगे कोडल फिन्स के, उसे हम बोलेंगे होमो सर्कल, और वो मिलेगा बोनी फिशेस में, और हेटेरो सर्कल कंडीशंस मिलती है हम लोगों को कार्टिलेजिनस फिश में। होप ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए यूजफुल हो, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज गुड हैबिट, एंड इफ एनी स्टूडेंट स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द टॉपिक फिन्स ऑफ फिशेस, प्लीज राइट मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल गिव आंसर इन माय नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे नया टॉपिक ऑफ रिलेटेड टू फिशेस, आज नहीं बताएंगे, इट इज सरप्राइज।